जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आंख को बाहर निकाल देंगे। सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से देश में राजनीति घमासान मचा हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना से शुरू हुई ये जंग जुबान और आंखें निकाल लेने की धमकी तक पहुंच गई है। जी हां, आपने एकदम सही सुना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पलटवार करते हुए सनातन विरोधियों की जुबान खींच लेने और आंखें निकाल लेने की धमकी दे डाली है। आप खुद सुनिए। सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आंख को बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। तो भाई सुना आप सभी ने इन्होंने क्या कुछ कहा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत सिर्फ यही नहीं रुके, इन्होंने ये भी कहा कि कुछ सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सनातन धर्म जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा कर बचा कर रखा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स।